मोबाइल क्लिनिक दुकान है सरियागंज टावर पे, उनके द्वारा एक सॉफ्टवेयर जो यूक्रेन यूक्रेन वाला एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का नाम पेंडोरा सॉफ्टवेयर है, उसका यूज़ करके वो जितने भी मोबाइल उनके पास आते हैं उन मोबाइल में वो IMEI को टेम्पर कर देते हैं, IMEI के साथ में छेड़खानी कर देते हैं, तो परमानेंटली उस फोन का IMEI बदल दिया जाता है। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। चोरी के मोबाइल खरीदने वाले और उसका जो है लॉक तोड़कर EMI नंबर बदलने वाले के जो शातिर है उसको गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि नगर थाना क्षेत्र के सरियागंज टावर के समीप मोबाइल क्लिनिक नामक दुकानदार जो है, जहां पर दुकान है, उस दुकानदार जो है अब तक जो है 80 से 90 मोबाइल का जो है लॉक तोड़ चुका है और उसका EMI नंबर बदल चुका है। इसमें देखिए कि पुलिस ने अब कार्रवाई की है और दुकानदार को गिरफ्तार किया। इसके साथ साथ बता दें कि उस दुकान से पुलिस ने 6 मोबाइल और लैपटॉप, इसके साथ साथ पूरा कंप्यूटर का सेट और भी सामग्री को पुलिस ने जब्त किया है। पूरे मामले को लेकर CTSP अवधेश दीक्षित ने प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभी देखिए कि मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा ऑपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा है, जिसमें किसी भी लोग का मोबाइल अगर चोरी हो जाता है, खो जाता है, उसके लिए पुलिस विशेष काम करती है और मोबाइल को भी जब्त करती है। ऐसे में देखिए किसी अभियान के तहत पुलिस ने कार्रवाई की है और कार्रवाई करते हुए इसके अन्य जो लोग हैं जो जिसके जिससे ये चोरी के मोबाइल खरीदता था या फिर चोरी के मोबाइल को ये खरीद कर उसका लॉक तोड़ता था या फिर ये जो लॉक तोड़ता था मोबाइल के सेट के ऊपर डिपेंड होता था कि इसका कितना कितना रेट होगा, जो मोबाइल होता था उसके हिसाब से ये लोग रेट तय करते थे। 500 से लेकर 3000 तक का रेट तय होता था और मोबाइल का लॉक तोड़ते थे। ऐसे में देखिए कि पुलिस ने अब भंडाफोड़ किया है और पुलिस के अनुसार बताया जा रहा है कि करीब 6 महीने से ये दुकानदार जो है इसी प्रकार का धंधा कर रहा था। हालांकि पुलिस अभी इसकी और भी तह तक और गहराई तक जाने का प्रयास कर रही है, दुकानदार से पूछताछ कर रही है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ भी जारी है। पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं CTSP अवधेश सरोज दीक्षित, वो आप सुनिए। मुजफ्फरपुर जिले में हम लोग के द्वारा लगातार ऑपरेशन मुस्कान के तहत जो भी लोगों के फ़ोन चोरी होते हैं या फिर खो जाते हैं आमजन के, उनको सना करते हुए या फिर FIR दर्ज कर एक स्पेशल टीम के द्वारा सारे फ़ोन्स को रिकवर करके और जो आवेदक हैं या फिर जो वादी हैं उनको दिया जा रहा है। उसी क्रम में हम लोग के द्वारा एक पैटर्न एनालिसिस किया गया, जिसमें ये चीज़ स्पष्ट हुई कि कुछ मोबाइल ऐसे हैं जो जिनका मॉडल अलग अलग है लेकिन सेम ही IMEI उन पर काम कर रहा है। तो इस चीज़ को लेकर जब डाउट हुआ तो हम लोग के द्वारा टीम का गठन किया गया और इसमें जब आगे कार्रवाई हुई तो इसमें पता लगा कि एक दम मोबाइल क्लिनिक दुकान है सरियागंज टावर पे, उनके द्वारा एक सॉफ्टवेयर जो यूक्रेन वाला एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का नाम पेंडोरा सॉफ्टवेयर है, उसका यूज़ करके वो जितने भी मोबाइल उनके पास आते हैं उन मोबाइल में वो IMEI को टेम्पर कर देते हैं, IMEI के साथ में छेड़खानी कर देते हैं, तो परमानेंटली उस फ़ोन का IMEI बदल दिया जाता है। IMEI बदला जाना एकदम गैर कानूनी है और ये IPC के जो नए जो भारतीय न्याय संहिता है और IT एक्ट के अंदर भी कानूनी अपराध है। तो हम लोगों ने इनको गिरफ्तार किया और हम लोग इनसे जब आगे पूछताछ में चीज़ सामने आई कि इनके द्वारा ये सॉफ्टवेयर रांची से खरीदा गया था, तो ये जो कहाँ से खरीदा गया था, किस क्या यूज़ करते थे, उस पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। आगे जैसे भी कुछ लीड मिलेगा तो हम आपको बताएं। इनके पास से कई सारे मोबाइल ऐसे भी बरामद हुए हैं या फिर कई सारे मोबाइल ऐसे भी हैं जो चोरी या फिर छिनतई वाले मोबाइल थे, कई मोबाइल ऐसे हैं जो मिसप्लेस हो गए हैं, लोगों के खो गए हैं और उनको फिर इनके पास इनसे खरीदा जाता था। इन्होंने 80-90 मोबाइल का भी स्वीकार किया है जो मोबाइल इनके द्वारा इस तरह से करके और उनका IMEI बदल दिया जाता था। तो वो सारी गैंग पे वो सारी नेटवर्क में हम लोग अभी काम कर रहे हैं। रिकवर क्या क्या हुआ, रिकवर किया गया? हम लोगों को इनके पास से 6 मोबाइल रिकवर हुए हैं जो मोबाइल IMEI बदल दिया जाता था जिनका। एक लैपटॉप बरामद हुआ है और जिस लैपटॉप में वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल था जिस सॉफ्टवेयर के माध्यम से IMEI बदलते थे। एक कंप्यूटर सेट बरामद हुआ है, पेन ड्राइव बरामद हुई है, डोंगल बरामद हुए हैं, ये सब हमें बरामद। अलग अलग था, मॉडल के ऊपर डिपेंड करता था, 2000 से लेकर 3000, 4000, 500, अलग अलग मॉडल के ऊपर डिपेंड करता था किस तरह का है, बट ये पैटर्न क्लियर था कि IMEI ये चेंज करते थे। मोबाइल क्यों नहीं बेचते थे, मोबाइल का क्वालिटी के देखकर ही बेचते थे? हाँ, मोबाइल की जो ब्रांड था या फिर मोबाइल की जो कैसी हालत है उसको देख करके मोबाइल बेचते थे, तो अलग अलग रेट। हाँ, तो मोबाइल ये खरीदते भी थे या फिर कई लोग जो चोरी के मोबाइल रखते हैं
अभी जो चोरी करते हैं वो इनके पास आते थे लॉक तोड़वाने के लिए, मेनली ये आते थे लॉक तोड़वाने के लिए। और उसका अगर एक बार IMEI चेंज हो जाएगा तो उसका एक फायदा होगा कि पुलिस उसको ट्रेस नहीं कर पाएगी। तो जैसे अगर हम लोग के पास में कोई एक IMEI अगर हम ट्रेस करना चाहते हैं और अगर IMEI चेंज हो गया तो हम लोग के लिए भी ट्रेस करना मुश्किल है। तो ये काम करते थे IMEI चेंज करके। और हाँ, ये एक पेंडोरा एक सॉफ्टवेयर है और ये सॉफ्टवेयर ये 7,000 रुपये इन्होंने बताया कि सब्सक्रिप्शन उसका 7,000 का चार्ज करके और उस सॉफ्टवेयर से उसमें IMEI चेंज करते थे। अभी तक हमें जहाँ 6-7 महीने का हमको एक आइडिया लगा है, जो हमारा जो काम हुआ है उसमें 6-7 महीने के हमने उनको फ़ोन बरामद किए हैं, जो 6-7 महीने से लगातार IMEI चेंज हो रहा था। बाकी हम लोग इस पर और कुछ मिलता है तो बताएंगे आपको। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे सिटी SP अवधेश सरोज दीक्षित। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस प्रकार से ये मोबाइल का चोरी का मोबाइल का लॉक तोड़ता था और यूक्रेन के सॉफ्टवेयर की मदद से ये पूरी तरह से ये काम करता था और लगातार अब तक जो है 80 से 90 मोबाइल का लॉक को तोड़ चुका है, इसके साथ साथ चोरी का मोबाइल भी खरीदता था, इस पर हमने कार्रवाई की है और आगे भी जो है जाँच पड़ताल जारी है। बने रहिए फर्स्ट बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।